जैसे ही अभी बारिश रुक चुकी है उसके बाद जब ह्यूमिडिटी बनने लगेगी तो स्कैब के स्पोर्स मिट्टी से ऊपर उठने शुरू हो सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके बगीचे में पिछली हिस्ट्री स्कैब की है तो अभी भी आप एक काम कर सकते हैं कि अपने बगीचे में आप 200 लीटर पानी में लगभग 15 किलो यूरिया घोल दे और उसकी फ्लोर में स्प्रे कर दे। हाईली नाइट्रोजन जो स्कैब होगी उसको खत्म कर देती है। अभी भी आप कर सकते हैं, अगर आपके स्कैब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप सॉइल मैनेजमेंट में अभी भी उसको कंट्रोल करने की ओर जा सकते हैं, नीचे आप फ्लोर पे स्प्रे करके जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा कि घास आजकल बिल्कुल तौलिया आप साफ रख सकते हैं और मल्चिंग जरूर कर दे तौलिए में, चाहे आप हरे घास की करिए, सूखे घास की करिए, मैट डालिए, कई बहुत सारे लोग बोरी डालते हैं, जो बोरी आती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब खरपतवार बहुत ज्यादा उगेंगे। अगर जो लोग नहीं करना चाहते उनके पास अगर घास काटने की मशीन है तो मेरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी कि जो आपका तौलिया है सिर्फ आप उसी को साफ करें, जो आपके बाहर का घास है आप उसको मत काटें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितना अगर आप घास को साफ करेंगे अपने बगीचे को अभी इस वक्त, तो जो इंसेक्ट या जो कीड़े नीचे आपकी घास को खाते वो कहीं ना कहीं पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो इसीलिए उनके लिए भोजन का प्रबंध आप नीचे रखें, तौलिया साफ रखें, मगर जो बाहर की घास है उसको बहुत लंबा तो ना होने दे मगर उसको फिर भी रहने दे। आप मशीन से उसको काट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो लाइव सेशन है उसमें हमने जो आजकल का जो भी मैनेजमेंट थी उसके बारे में, सभी चीजों के बारे में हमने बातचीत कर ली है। नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता नहीं आएगा, क्योंकि आप अब लेट हो चुके हैं, बॉक्स बनने भी शायद शुरू कर दिए होंगे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और ऊपर से क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है यूनिवर्सल के साथ, अभी बहुत प्रॉब्लम है, हम तैयार नहीं है इसके लिए। हाँ कुछ सालों के बाद हम तैयार हो सकते हैं, अभी एक केजी का फॉर्मूला अच्छे से अगर इंप्लीमेंट करती है सरकार, अभी तो ये भी शक के दायरे में कि कहीं सीजन आते आते कहीं इसके साथ भी खेला ना हो जाए या इंप्लीमेंट ढंग से ना कर पाए सरकार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है फार्मर की। प्रीतम बिकता जी, आप यूरिया, बिल्कुल आप यूरिया डाल सकते हैं, मगर मेरी यहाँ रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को थोड़ा मिक्स करके डालते रहे। और बहुत सारा एक और क्वेश्चन आता है लोगों को कि आपके छोटे पौधों में हम क्या खादे डालें, तो छोटे पौधों में आप लोगों को याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, सुपर पोटाश की भी जरूरत पड़ती है। कोशिश आप ये करें कि अगर आप नाइट्रोजन की एप्लीकेशन हर 20 दिन में, छोटे 1, 2, 3 साल के जो नए प्लांटेशन है, दूसरे तीसरे साल के जो भी पौधे हैं उसमें आप चाहे आप एक एक चम्मच डालिए, दो दो चम्मच डालिए, मगर हर 15-20 दिन में उसको आप अप्लाई करते रहे।